क्या देख रही है कि आप दोनों की खुशियों के बीच कोई तीसरा आने वाला है। ये आप ही की परछाई होगी और ये परछाई आपको एक दूसरे से अलग कर देगी। किसकी बात कर रही हो तुम अंबालिका? कौन होगी हमारी परछाई? कौन आएगा हमारे और अर्जुन के बीच? हमें नहीं पता, लेकिन हमने जो कह दिया सो कह दिया। और अंबालिका की बात कभी गलत नहीं होती। वो तीसरा आप दोनों के बीच जरूर आएगा। अंबालिका ने कहा है तो होगा जरूर, पर हम भी तैयार हैं। वो आएगा और मुंह की खाकर लौट जाएगा। अब हमारे और अर्जुन के बीच हवा भी नहीं आने देंगे। वो चाहे जो भी हो अंबालिका, वो कुछ नहीं कर पाएगा। बड़ी मुश्किल से हमने अर्जुन को पाया, इतनी आसानी से हम उन्हें खोने नहीं देंगे। कोशिश करके देख ले सारे दुश्मन, पर कुछ नहीं होगा। फिर चाहे वो दादी साई क्यों ना, या फिर प्रचंड लोग के वो तीनों दुश्मन, हमारे और अर्जुन के बीच कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं। कौन हो सकता है जो अर्जुन और हमारे बीच आएगा? कौन है? अंबालिका देख रही है कि आप दोनों की खुशियों के बीच कोई तीसरा आने वाला है। ये आप ही की परछाई होगी, और ये परछाई आपको एक दूसरे से अलग कर देगी। आप जाइए, डॉक्टर को बुलाइए, हम अमृता को देखते हैं। जाइए अमृता, आंखें खोलिए। हमें मणि चाहिए और इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, हमें जो चाहिए वो आप हमें देंगे। चाहती क्या है आप? अमृता की मौत। मंजूर है। नागमणि कहाँ है? त्रिकुण लोक में, और वहां की रानी है अमृता, और वो मणि सिर्फ अमृता ला सकती है। मणि हासिल करने का एक ही तरीका है, हमें अमृता को इतना मजबूर करना होगा कि वो खुद ही हमें मणि दे दे। और मणि मिलते ही आप सब अमृता को खत्म कर देना। आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, और जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। अचानक बहू को हो क्या गया है? डॉक्टर, अमृता ठीक है ना? डोंट वरी, इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता ही है। आपका मतलब है डॉक्टर? यस, शी इज प्रेग्नेंट। बधाई हो कुंवर सा, आप पिता बनने वाले हैं। बड़ी खुशखबरी हमसे छुपा कर रखी। खुशखबरी? हाँ, कि आप माँ बनने वाली है। इस घर में एक नया कुंवर आने वाले हैं। आप लोग अभी तक यहीं खड़े? इस घर में नया मेहमान आने वाला है। पूरे शहर में मिठाई बांटेंगे। चलिए आप सभी लोग बाहर चलिए, बहू को आराम करने दीजिए। Thanks, Amrita.
आज हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज आपने हमें वो खुशी दी है जिसका हम दोनों को बेसब्री से इंतजार था। बेकार ही डर रहे थे। अंबालिका की भविष्यवाणी बिल्कुल सच थी, लेकिन वो परछाई कोई दुश्मन नहीं, एक नन्ना सा फरिश्ता है जो हमारे और अर्जुन के बीच आने वाला है। अमृता को हम मारे अपने हाथ से, हमें नागमणि में नहीं अमृता में दिलचस्पी। तो फिर आपने उन लोगों से कैसे कह दिया कि वो अमृता को मार सकते? हमसे कोई खेल खेलने की कोशिश मत करना त्रिवेणी। सुरम्या, वही होगा जो हम दोनों के बीच तय हुआ है। देखिए, नागमणि ना तो आप ला सकती हैं ना हम, मगर वो तीनों ला सकते हैं। एक बार नागमणि त्रिकुंड लोक से बाहर आ जाए, फिर हम इन तीनों को खत्म कर देंगे। और आप अमृता को हमें धोखा देने की कोशिश मत करना त्रिवेणी, क्योंकि अगर हमने अमृता को नहीं मारा तो हम उन सबको मार देंगे जो हमारे प्रतिशोध के बीच में आने की कोशिश करेगा। फिर चाहे उनमें से आप ही क्यों ना हो। ऐसी नौबत ही क्यों आएगी सुरम्या? क्योंकि हम दोनों के मकसद अलग अलग हैं। हमें नागमणि चाहिए और आपको अमृता। हमें दोनों ही चीजें चाहिए सुरम्या, एक मणि ताकि हमारे बेटे की अंतिम इच्छा पूरी कर सके, और दूसरी अमृता की मौत। और ये काम आप करेंगी। कोई कुछ भी सोचे पर होगा वही जो हम चाहते हैं, जो त्रिवेणी चाहती है। जी साहब जी, हमने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट दी हैं। आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, मेहमानों को भी दीजिए। जी। बधाई हो बहन जी। बहू के लक्षण देखकर तो लग रहा है बहू को बेटा ही होगा। बेटी होगी। लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है। हमें खुशी इस बात की है कि इस घर में सालों बाद फिर से किलकारी गुजेंगी। रत्ना जी, पर मासा कहाँ है? मासा कहाँ रह गई थी आप? पूरा घर खुशियां मना रहा है और आप ही घर पर नहीं है। क्यों विष्णु बेटा, क्या हुआ? ये खुशियां क्यों मनाई जा रही है? मासा, पहले आप मुंह तो मीठा कीजिए। ये किस खुशी में है ये तो बताइए। आप फिर से परदादी बनने वाली है। अमृता माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है। मासा, इसी खुशी में कल हम पार्टी देना चाहते हैं। आप जिसे भी बुलाना चाहती है बता दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, खुशी का मौका है, चाहे तो सारे शहर को बुला लीजिए। हम जानते हैं दादी से कि आप ये खबर सुनकर बिल्कुल खुश नहीं हैं।